नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस एस एग्जाम मॉरी में। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, ये तो रेलवे को ही पता है। रेलवे ने टाइम भी लिया, उसके बावजूद भी ये गड़बड़ी हुई है। क्या ये नॉर्मलाइज मार्क्स सही तरीके से नहीं प्रोवाइड किए गए थे? क्या है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर? क्या कितने कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? किसी कैंडिडेट के 148 मार्क्स भी आ सकते हैं? क्या ये आउट ऑफ 100 है या आउट ऑफ 200 है? 148 मार्क्स तो कभी किसी के आ ही नहीं सकते। जिस हिसाब से इन्होंने मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये तो बिल्कुल धांधलेबाजी है रिजल्ट में। और पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आपको दिखा देते हैं किस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। देख कैंडिडेट, मैंने आपके सामने खोल रखी है इमेज जो मैं मुझको प्रोवाइड की गई है, और अभी तक मुझे इस कैंडिडेट से भी बात नहीं हो पाई है। इस कैंडिडेट के एक फ्रेंड से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि इस कैंडिडेट के 102 मार्क्स हैं और ये कतई कंफर्म न्यूज़ है। तो सुबह तक मेरे को इस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, तो मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि ये मार्क्स सही हैं, सही भी हैं कि नहीं। और अभी तक पता चल रहा है ये ही नहीं, 148 मार्क्स भी आ रखे हैं कैंडिडेट के। किसी कैंडिडेट के 109 मार्क्स हैं, एक कैंडिडेट है जिसके 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं, ये पॉइंट में ही है सारे सारे मार्क्स। एक कैंडिडेट के 116 मार्क्स हैं और एक कैंडिडेट के 121 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं। ऐसे अभी तक जो मेरे पास डाटा है वो 11 से 12 कैंडिडेट का डाटा है, तो सभी का डाटा दिखाना सही नहीं है, क्योंकि इस कैंडिडेट से बात हुई है, इनसे मैंने पूछ लिया है डाटा दिखाने के लिए, तो इन्होंने हाँ बोल दिया है कि सभी कैंडिडेट का मैं डाटा नहीं दिखा सकता। ऐसे हाइड करके भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये उनकी परमिशन के बगैर दिखाना सही नहीं होगा। तो 102 मार्क्स हैं, आप इसी को देख सकते हैं। 102 तो ये 100 से ऊपर तो हो ही गए मार्क्स, देख लीजिए 102.18136। तो ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गड़बड़ी है जो किया गया है। ये कैंडिडेट के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है रेलवे। जिस हिसाब से इस तरीके से आप रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके से रिजल्ट बन ही नहीं सकता। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर उन्होंने चलाया है, वो क्या कंप्यूटराइज नॉर्मलाइजेशन किया गया है या फिर किसी दलालों को बैठाया गया है नॉर्मलाइजेशन में, ये रेलवे को ही पता है। रेलवे ने टाइम भी लिया रिजल्ट प्रोवाइड करने में, हमें लगा कुछ एक्यूरेसी होगी। अब देख लीजिए क्या एक्यूरेसी है, कट ऑफ भी बहुत हाई गई है, इतनी कट ऑफ भी नहीं जाती। क्योंकि अभी तो 6 से 7 गुना बच्चे लिए गए हैं, तो अभी से ही इतनी हाई कट ऑफ जाएगी तो बाद में क्या कट ऑफ जाएगी? या 100 में से 95 वालों का ग्रुप डी में सिलेक्शन कराएंगे? तो बहुत सारे कैंडिडेट इससे उदास भी हैं कि उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स नहीं मिल पाए, और कुछ कैंडिडेट हैं जिनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, 19 से भी ज़्यादा मार्क्स मिल चुके हैं नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम देखिए, मिनिमम से 50 50 के मैं 25 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, वो मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, आई मीन मैक्सिमम मार्क्स 25 मिलने चाहिए, क्योंकि 25 से ऊपर तो मार्क्स कभी नहीं मिलने चाहिए, तो पेपर बनाने वालों की गड़बड़ी है। और 25 से ऊपर भी एक नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल रहे हैं कैंडिडेट को, 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मार्क्स भी। और इसमें देखिए, इसमें तो मेरे सामने की बातें हैं, 30+ कैंडिडेटों के मार्क्स मिले हुए हैं, कई कई कैंडिडेट को तो 40 मार्क्स भी मिले हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। एक कैंडिडेट है जिनके 42 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनके 82 मार्क्स हो गए हैं। तो ये तो बिल्कुल उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ ना जो अच्छा पेपर करके आए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको तो नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स नहीं मिले हैं। क्या उनका पेपर इतना ईजी आ गया कि अब वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर उनका इतना टफ आ गया कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए? सभी पेपर में थोड़ा बहुत हेल बदल था, पेपर टफ भी थे, ईजी भी थे, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था, इतना भी टफ नहीं था। मैंने सभी पेपर को देखा हुआ है कि इतने ज़्यादा मार्क्स का अंतर आ जाए। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेलवे ग्रुप डी की बिल्कुल भी, RRB की बिल्कुल भी ये धांधलेबाजी है जो जिस हिसाब से रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है, ये तो कैंडिडेट के साथ एक तरीके से धोखा हुआ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की पल पल की खबर हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।